देवरी विकास खंड के ग्राम मड़ पिपरिया में राशन दुकान की खाद्यान्न विक्रेता द्वारा विगत 4 माह से खाद्यान्न वितरण न किए जाने एवं अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने महाराजपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न वितरण में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। खाद्यान्न लेने के लिए पहुंचने वाले उपभोक्ताओं से गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी देवरी को भी की गई है। रविवार दोपहर बड़ी संख्या में महाराजपुर थाने पहुंची मड़पिपरिया ग्राम की महिलाओं ने ग्राम की राशन दुकान में हो रही धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि ग्राम की राशन दुकान के संचालकों द्वारा उन्हें 2 से 4 महीनों से राशन वितरित नहीं किया गया। राशन दुकान पर उनसे मशीन में अंगूठा लगवा लिया जाता है, परंतु राशन खत्म होने की बात कहकर अगले महीने खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह दुकान विक्रेता द्वारा उन्हें कई माह का राशन नहीं दिया गया। ग्राम की महिला संध्या पति भगवान सहलोदी 40 वर्ष ने थाना में महिलाओं के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि वह रविवार सुबह ग्राम की कई अन्य महिलाओं के साथ राशन लेने के लिए दुकान पर पहुंची थी और दुकानदार के द्वारा खाद्यान्न के लिए राशन पर्ची जमा कराई गई थी, परंतु दुकान पर उपस्थित वितरकों द्वारा उन्हें दुकान से बाहर कर गाली गलौज की गई। उनके द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर दुकान पर मौजूद वितरक दुकान बंद करके भाग गए। महिलाओं द्वारा मांग की गई है कि संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। थाना पुलिस द्वारा मामले में महिलाओं की शिकायत पर 155 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण संज्ञान में लिया गया है। मामले में खाद्यान्न वितरक अव्यवस्था से नाराज महिलाओं द्वारा क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। फिंगर लगवा दे, पर्ची उन्हीं के पास रहती उमा भाई। कितने महीने से राशन नहीं मिला? 2 महीने। क्या कह रहे राशन दुकानदार? ये बोलते हैं कि अंगूठा लगा दे, अगले महीना में मिले बड़ा गाँव। बड़ा गाँव 4 महीना से नहीं मिला। 4 महीने? क्या कह रहे राशन दुकानदार? क्या कह रहे थे कि वो तो बड़ा गाँव, हमें पता ही नहीं लग पाए बड़े जात के, तो बड़ा गाँव नहीं दे दे। फिर नहीं दे, फिंगर लगवा दे। फिंगर लगा दिए थे अपन, हरिया लगा दो अपन, बाद में मंजूरी वाले आदमी ये बेहद गंभीर मामला है। देवरी विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में राशन की कालाबाजारी हो रही है। जिन पात्र उपभोक्ताओं को राशन मिलना चाहिए, गेहूँ चावल मिलना चाहिए, उनका वितरण नहीं होता है। उनके पीओएस मशीन पर कई बार हम इंप्रेशन के नाम पर 2-2, 3-3 बार अंगूठा लगा लेते हैं और उसी के माध्यम से लोग कालाबाजारी करते हैं। आज मड़पिपरिया के बहुत सारे ग्रामीण जन आए थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, सब युवा थे। उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, जिस तरह से विक्रेता के द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया उनके साथियों के द्वारा, बेहद निंदनीय है। मैं आज ही SDM और सब इंस्पेक्टर से बात करूंगा कि इनकी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित हो और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज के नाम पर कलंक है और ऐसे लोग जो गरीबों का हक मारने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए।